तो आज हम बनाएंगे अदरक की चटनी। आप इससे इडली, डोसा या फिर राइस और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन पे एक बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है और मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून चना दाल ले लिया है, 1 टेबल स्पून उड़द दाल, 1/2 टेबल स्पून जीरा और 50 ग्राम्स मैंने अदरक ले लिया है जिसे कट कर लिया है, और 5 मैंने यहाँ पे लहसुन ले लिया है और 5 से 6 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, और यहाँ पे मैंने 1 स्प्रिंग करी लीव्स ले लिया है। और अब हम इसे 3 से 4 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर लेंगे। और अब ये फ्राई हो चुका है, हम इसे ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जार ले लिया और ये ठंडा हो चुका है, हम इसे इसमें डाल देंगे। और मैंने यहाँ पे 1/2 लेमन साइज का गुड़ ले लिया है और 1/2 लेमन साइज का इमली, और यहाँ पे मैं 3-4 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ और 1 कप यहाँ पे मैं पानी डाल देंगे। उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पे मुझे थोड़ा थिक लग रहा है तो मैं इसमें 1/2 कप पानी और डाल रही हूँ और अब हम इसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसे एक बोल में डाल देंगे। और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तड़का पैन पे 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और इसमें 1/2 टेबल स्पून में मस्टर्ड सीड्स डाल रही हूँ और 1/2 टेबल स्पून चना दाल, 1/2 टेबल स्पून उड़द दाल, और यहाँ पे मैंने 2 लाल मिर्च ले लिया जिसे तोड़ लिया है, और 1 स्प्रिंग करी लीव्स। और अब हम तड़के को चटनी में डालेंगे। और अब अदरक की चटनी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।